तरीके की यार बताया, जैसे जो आरती का तैयारियां चल रही है किस तरीके की? श्री राम रथ यात्रा के अंतर्गत में एक प्रभु श्री राम जी महाराज का 1100 किलो का एक जो है पंच धातु का अपना एक धनुष का निर्माण किया गया है अपने राजस्थान के कुछ भक्तों के द्वारा, सभी भक्तों के द्वारा, और एक गधा का निर्माण 1600 किलो की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की सरकार की गधा का निर्माण है। तो इस यात्रा का उद्देश्य जो सबसे प्रमुख बात है, और आगरा शहर में जो इसका पड़ाव है 14 तारीख को शाम को 6:30 बजे आरती करने का जो प्रावधान हम लोग जो विचार कर रहे हैं, उसके पीछे हम लोगों का उद्देश्य है कि व्यक्ति, हर बच्चा अपने सनातन धर्म को समझने का, जानने का प्रयास करे। और वह सनातन धर्म के अंतर्गत में, जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं बल्कि अधिकतर करके लोगों को ये नहीं पता होगा कि श्री प्रभु श्री राम जी महाराज के धनुष का नाम क्या है, जैसे उसको क्या कहते हैं, कोदंड कहते हैं। जैसे श्री संकट मोचन महावीर स्वामी, श्री हनुमंत लाल जी सरकार है हमारे जो है, उनकी गदा का नाम क्या है, तो उसको कौमुदी करके उसको हम लोग जो है सुशोभित करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसका इतिहास क्या है, तो ये सारी चीज़ें का रखने का प्रयास, साथ में एक आरती के माध्यम से जन जागरण, जन जागृति और जन जन को जोड़ने का कार्य एक हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सारा संपूर्ण कार्यक्रम जो आगरा शहर के लोगों के द्वारा एक किया जा रहा है, मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि इसको ऐतिहासिक, और एक सबसे प्रमुख बात है, जहाँ जहाँ तक आप लोगों तक सूचना पहुँचे, आप लोग कुछ मत करिए, सिर्फ कम से कम इतना कर लीजिए कि एक मुट्ठी फूल आप अपने घर पे रख लीजिए, जब यात्रा सामने से निकले तो कम से कम एक मुट्ठी फूल सड़क पे बिखेर दीजिए। तो कम से कम प्रभु श्री राम जी महाराज नहीं, लेकिन हाँ हमारा ये सहयोग कहीं ना कहीं उस समय पर ये उपस्थित होगा, और आप लोगों के द्वारा ये किया गया सहयोग कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म की, हमारे आगरा भूमि की, हमारे आगरा धरा की, हमारे आगरा शहर की एक बहुत ही अलग सी छाप लेकर के जाएगा। तो शाम 6:30 बजे हम लोग मिलेंगे हनुमान मंदिर पर, DBNL जो वहाँ पर एक यात्रा चल रही है जिसमें 1100 किलो के तो हमारे धनुष हैं और 1600 किलो की गदा है, जो 12 तारीख को चलकर 14 तारीख को आगरा आएंगे, और आगरा आने के बाद उनका यहाँ गुरुद्वारा गुरु के ताल पर प्रवास होगा, रात्रि प्रवास करेंगे। शाम को 6:30 बजे अमर उजाला के बराबर में जो दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है वहाँ पर इनकी आरती का कार्यक्रम होगा, और सवेरे भव्य यात्रा के रूप में ये अयोध्या जी के लिए निकलेंगे, और 16 तारीख को बड़ी भव्यता के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। तो किस तरीके से आगरा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट सिरोही से एक राम रथ यात्रा शुरू हुई है, जिसमें कई हजार लोग 108 बसों के साथ आगरा से गुजरेंगे। एक बहुत बड़ी यात्रा है, इस यात्रा में 1600 किलो का राम धनुष और 1100 किलो की गदा, जिसकी लंबाई 28 फुट और बड़े 34 फुट के दो रथों के माध्यम से ये आगरा से गुजरेंगे। हम गुरु के ताल आगरा पर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे इस यात्रा का, और 6:30-6:30 बजे जो DBNL के बाद दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है उस मंदिर पर आरती का कार्यक्रम करेंगे। मेरा आगरा की जनता से निवेदन है कि इस यात्रा का एक भव्य स्वागत करें, ऐतिहासिक स्वागत करें, और ताकि कि दे आगरा पूरा राममय हो सके। इस आरती का जो कार्यक्रम का जो निर्देशन है हमारे योगेश महंत मंकामेश्वर के, योगेश पुरी जी करने वाले हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक बनाएं।